हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो मूवीज को वो मकाम नहीं मिल पाया जैसे हॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाता है, और इसी के कई सारे रीजंस हैं। देखिए तंजवंदास सुपर हीरो। इसके बावजूद भी इंडियन सिनेमा में कई ऐसी सुपर हीरो मूवी को बनाया गया जो अपने लिमिटेड बजट और टेक्नोलॉजी के साथ हॉलीवुड सुपर हीरो मूवीज जैसी फील देती है। और कुछ ऐसी भी सुपर हीरो मूवीज है जिनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल हॉलीवुड सुपर हीरो जॉनर से कम नहीं है। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं 10 इंडियन सुपर हीरो मूवीज के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर है हीरो। 2019 में रिलीज हुई तमिल फिल्म हीरो एक सुपर मूवी है। इस फिल्म की कहानी शक्ति नाम के कैरेक्टर के पास ही सारी कहानी घूमती है। दरअसल ये कैरेक्टर शक्तिमान से इंस्पायर्ड होता है। इस फिल्म का कैरेक्टर अपनी नेचुरल पावर का इंडियन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और इस मूवी की सबसे अच्छी बात रहती है कि ये अपनी कहानी पर टिकी रहती है और कोई जबरदस्ती वाले नजरियों को थोपती नहीं है। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्माया गया है। चाहे आप इसे कितनी बार भी देख लो, इसके एक्शन आपको बोर नहीं करेंगे। 9th पोजीशन पर है मिस्टर इंडिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस्टर इंडिया सुपर पावर वाली फिल्मों में एक क्रांति की तरह उभर कर आई थी, जिसने इंडस्ट्री में सुपर हीरो मूवीज का इंडियन सिनेमा में अलग ही लेवल सेट किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शेखर कपूर, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1987 में। असल कहानी तब शुरू होती है जब अरुण को सुपर गैजेट मिलता है। इस गैजेट की हेल्प से अरुण इनविजिबल हो जाता है। यही वो फिल्म थी जिसने टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया था। मैं तो लाल रंग से बच जाऊंगा, मगर दागा और तेजा जहां भी है मुझसे नहीं बचेंगे। और 8th पोजीशन पर है रोबोट। शंकर द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म में हमें सुपर रोबोट की कहानी देखने को मिलती है। हाय, आई एम रोबोट, स्पीड 1 terahertz, मेमोरी 1 zettabyte। इस फिल्म का आइडिया बहुत ही कमाल का था, क्योंकि इस फिल्म में बताया गया है कि अगर मशीन में फीलिंग आ जाए तो क्या होगा, और इसे एक यूनिक आइडिया माना जाता था। फिल्म के एक्शन और VFX की बात की जाए तो परफेक्ट थे, क्योंकि रोबोट ही पहली फिल्म थी जिसने इंडियन सुपर हीरो मूवीज में VFX एग्जाम्पल को सेट किया था। 7th पोजीशन पर है अटैक। 12 इंजर्ड, नो फेटालिटी। अटैक एक सुपर हीरो फुल ऑन एक्शन से भरपूर मूवी थी। इस मूवी में जॉन अब्राहम एक सुपर सोल्जर का किरदार को निभाया है। अटैक मूवी देखकर कहीं ना कहीं लगने लगता है ये मूवी रोबोकॉप से हाईली इंस्पायर्ड है। अटैक मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके एक्शन। जिस तरह से इसे डायरेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन किया गया है काबिले तारीफ है। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो ये दर्शकों को अपनी कहानी से जोड़े रखता है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने का दम रखती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं इसकी कंटिन्यूएशन जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसी फिल्मों की बॉलीवुड इंडस्ट्री को सख्त जरूरत है। और 6th पोजीशन पर है रावण। इंडियन सिनेमा में रावण एक अनबिलीवेबल मूवी जो अपने वक्त से आगे थी। मैक्सिमम ऑडियंस इस फिल्म के VFX की ही बात करते हैं। नो डाउट रावण फिल्म के VFX ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाइयों पर ले गई। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि इस फिल्म की स्टोरी ने टेक्नोलॉजी को सुपर एक्सप्लोर किया था, इसीलिए आज भी इस मूवी को अहेड ऑफ देयर टाइम कहा जाता है। ऐसी ही फिल्मों की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करती है। फिफ्थ पोजीशन पर है ब्रह्मास्त्र। हाल ही में रिलीज हुई सुपर हीरो मूवी ब्रह्मास्त्र। इस फिल्म की कहानी इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है, और इस फिल्म को सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा रहा है जिसे अस्त्र वर्ष कहा गया है। ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके VFX। ब्रह्मास्त्र के VFX को काफी डिटेलिंग में बताया गया है, और इसी से फिल्म के हर एक एक्शन सीन को ऑडियंस के द्वारा खूब पसंद किया गया। 4th पोजीशन पर है क्रिश। क्रिश एक लौती बॉलीवुड सुपर हीरो मूवी फ्रेंचाइज है जो सक्सेसफुल है। अपना कल वही होगा जो डॉक्टर आर्य ने देखा। क्रिश 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये कंटिन्यूएशन थी 2003 में आई कोई मिल गया की। कंप्यूटर सीखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग की। जाओ और अपने बाप से आकर सीखो। क्रिश में कृष्णा के पास बॉर्न सुपर नेचुरल पावर होती है। अपनी इसी पावर के साथ कृष्णा अपने फादर को रेस्क्यू करता है। इसी के बाद अपनी पावर्स लोगों को बचाने के लिए भी यूज करता है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हर किसी ने पसंद किया था। 3rd पोजीशन पर है मर्द को दर्द नहीं होता। सूर्या, पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन हुआ तो
ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2018 में। इंडियन सुपर हीरो मूवी लवर के लिए बहुत ही यूनिक मूवी मानी जाती है। फिल्म की कहानी सूर्या नाम के कैरेक्टर पर होती है, जहां उसकी बीमारी ही उसका सुपर पावर होती है। ऐसे ही पावर हमने साल 2018 में आई डेडपूल में एजेक्स नाम के कैरेक्टर में देखा गया था, जिसे दर्द नहीं होता था। मर्द को दर्द नहीं होता है में कई कॉमिक बुक और मूवी रेफरेंस भी दिए गए हैं। ये फिल्म एंटरटेनमेंट से भरपूर है। जहां ये फिल्म इंडियन सुपर हीरो मूवी में अपनी अलग ही जगह सेट करती है, तो वहीं सुपर हीरो मूवी लवर्स इसे और भी एक्सप्लोर होता हुआ देखना चाहते हैं। सेकंड पोजीशन पर है मिन्नल मुरली। ये फिल्म मलयालम सुपर हीरो फिल्म है। इसके डायरेक्टर है बेसिल जोसेफ। बिजली गिरने के बाद तुम्हें अपने अंदर कोई बदलाव महसूस हुआ? बस खांसी आई थी। इस फिल्म में जेसन जोसेफ के ऊपर बिजली गिरने से नेचुरल सुपर पावर मिल जाती है। फिल्म की कहानी कई हद तक रियलिटी से जुड़ी रहती है। एक्शन से लेकर फिल्म की टोन तक सब कुछ परफेक्शन के साथ पेश किया गया है। इस फिल्म के विलन को भी परफेक्शन के साथ प्रेजेंट किया गया। आपका क्या ओपिनियन था मिन्नल मुरली को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नंबर वन पोजीशन पर है भावेश जोशी। मुंबई का पहला सुपर हीरो। क्या बात कर रहे हैं, तो रावण था ना? जीवन रावण था, फिल्म का नाम रावण था। इस फिल्म के डायरेक्टर विक्रम आदित्य मोटवानी। इंडियन सुपर हीरो मूवीज में ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे परफेक्ट सेट लेवल मूवी है। भविष्य में शायद ही कोई इंडियन सिनेमा में इतनी परफेक्ट मूवी बना पाए। दरअसल ये मूवी में आपको कोई नेचुरल सुपर पावर देखने को नहीं मिलेगी, ये एक विजिलेंटी सुपर हीरो की कहानी है। भावेश जोशी नाम है उसका। भावेश जोशी, भावेश जोशी करप्टेड गवर्नमेंट अथॉरिटीज को एक्सपोज करता है। आप लोग इधर प्रोटेस्ट पे क्यों आए हैं? देखिए, हमें लगता है करप्शन इज शिट। या शिट स्टिंक्स। बस इससे पहले भी बैटमैन से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड में विजिलेंटी मूवी को बनाने की कोशिश की गई थी। भावेश जोशी हाईली बैटमैन कॉमिक से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। भावेश जोशी अपने डार्क टोन के साथ डीप रियलिटी से कनेक्ट करने में कामयाब होती है। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में बनना गर्व की बात होती है, और वहीं दूसरी तरफ अफसोस होता है कि ऐसी फिल्मों को सराहा नहीं जाता। अनफॉर्चुनेट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल रही। ये फिल्म भी अपने वक्त से आगे की लिस्ट में शामिल होती है। आपका क्या ओपिनियन है भावेश जोशी को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।